नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 15,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इस वायरस के संक्रमण में विश्व के 3 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं। जहां तक भारत की बात है तो यहां की बात अगर आपको बताएं तो 400 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। भारत में इस महामारी में जान गंवाने लोगों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। खेलों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है और अब इसकी चपेट में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC भी आ चुकी है। अब ICC ने इस प्रकोप को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। क्या है वो फैसला और क्या है इसके मायने, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना है एक काम, आप जल्दी से NN Sports को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिख रही घंटी को भी बजाएं ताकि आपको हर जानकारी तत्काल मिलती रहे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अहम फैसला लेते हुए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अपने ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की नीति बनाई है। हालांकि इस योजना के लिए कोई समय नहीं तय किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और ICC ने भले ही अपने कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम कर दिया हो, लेकिन BCCI ने तो बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था, ये निर्णय ले लिया था। दरअसल ICC की ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम है और इसलिए ये बड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ICC की ओर से कहा क्या गया है। ICC के एक प्रवक्ता ने कहा, दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह ICC भी अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है और अब हमारे ज़्यादातर कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता कर्मचारियों के काम को प्रभावित किए बगैर स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हमारी टीम के पास घर से काम करने की क्षमता है जिससे हम अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और व्यापक समुदायों को सुरक्षित रखते हुए पूरी तरह से कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, लेकिन वहां की सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में लगी है जिससे इसके आयोजन पर संदेह पैदा हो गया है। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सुना, इसी साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है वो भी संकट में पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसमें अभी काफ़ी वक्त है और अगले साल ही यानी 2021 में ही एक और T20 विश्व कप होना है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ICC आगे का फैसला किस तरह से लेती है। आपको बता दें कि BCCI ने अपना ऑफिस पहले ही बंद कर दिया है। इसी बीच BCCI ने सोमवार को सभी क्रिकेट फैंस से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से फैली भयंकर स्थिति में वो अपने घर में स्वस्थ रहकर विश्व के लिए खेलें। BCCI ने अपने ट्विटर हैंडल पर संदेश जारी करते हुए लिखा, अगर आपने कभी विश्व में लाखों लोगों के लिए खेलने का सपना देखा है तो ये आपका समय है। सुरक्षित होकर खेलिए, विश्व के लिए खेलिए। देश के अलग अलग हिस्सों में सोमवार सुबह से बंद लागू कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सख्ती के साथ बंद लागू करने को कहा है। केंद्र ने साथ ही बंद के आदेश न मानने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। तो अब ICC का ऑफिस भी बंद हो गया है, ये रिपोर्ट अभी आपने देखी। और साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि आपको भी अपने घर में ही रहना है, खुद को आइसोलेट करके रखना है और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। ये जो वक्त आपको मिला है इसमें खुद को वक्त दीजिए और अपने अपनों को वक्त दीजिए। पता नहीं अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए इतना समय आपको आगे कब मिले। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए NN Sports।